साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्त जनों को मेरी तरफ से जय माता दी। आज मैं अपनी नई अपडेट में सभी भक्त जनों के लिए माता पाथरीवाली की वैष्णव साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि माता पाथरीवाली का मंत्र जाप कैसे करना है और इसकी विधि क्या है और माता पाथरीवाली को प्रसन्न करने के लिए कौन सा भोग प्रसाद एवं लोफा माता रानी को भेंट चढ़ाएं। माता पाथरीवाली को वैष्णव एवं तामसी दोनों रूपों में माना जा सकता है। तामसी रूप में माता रानी को मांस मदरा का भोग लगाया जाता है और वैष्णव रूप में माता रानी को हलवा पूरी लड्डू उनका भोग लगाया जाता है। माता पाथरीवाली का मेन स्थान हरियाणा में सफीदो नामक एक कस्बा है, उसके पास एक पाथरी नामक स्थान है, वहाँ माता रानी पाथरीवाली प्रकट हुई। माता पाथरीवाली की मान्यता पूरे हरियाणा पंजाब में की जाती है। जो भक्त माता पाथरीवाली की पूजा करते हैं वह कलर वाली और माता थान वाली की भी अपार कृपा के पात्र बनते हैं, क्योंकि भक्त जनों माता इन्हीं रूपों में से एक है। माता पाथरी दूतनी की साधना जो भी भक्त जन करते हैं उनके घर में भूत प्रेत जादू टोने जंतर मंत्र का डर नहीं रहता, क्योंकि इस माता में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण भूत प्रेत जिन आदि माता के हुक्म की तालीम करते हैं। हाँ, माता रानी के भक्त जनों, अब मैं आप सभी को माता पाथरीवाली की कृपा आप लोगों पर कैसे इस वैष्णव मंत्र से बनी रहेगी और इसका भोग प्रसाद कैसे माता रानी को भेंट चढ़ाना है, ये सब बताने से पहले सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वह सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता रानी की सभी भक्तजनों के ऊपर अपार कृपा बनी रहे। हाँ भक्तजनों, अब माता पाथरीवाली को प्रसन्न करने के लिए और माता रानी के साक्षात दर्शन पाने के लिए माता रानी का मंत्र एव उसका भोग प्रसाद नोट कर लें। इस वैष्णव मंत्र का जाप सभी माता रानी के भक्त एवं भक्तनियाँ कर सकती हैं। मंत्र नोट कर लें। जाग 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 माता पाथरी दूतनी मेरी जगाई जाग, मेरे गुरु की जगाई जाग, पान सुपारी जोड़ा लड्डूअन का तेरी भेंट चढ़ाऊं आज, शरण पड़े तेरे भगत के पूर्ण की जो काज, दुहाई भोलेनाथ की दुहाई इस्माल जोगी नागे बाबे की, चले मंत्र पूरे वाचा देखा माता पाथरी दूतनी तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र जाप की एक एक माला भक्त दिन सुबह और शाम को करें, उसके बाद माता रानी की जोत जगाएं। माता पाथरीवाली की जोत होती है सरसों के तेल का दिया और जोत के पास 5 लड्डू, 2 लौंगों का जोड़ा, 2 मीठे पान, देसी घी का हलवा, कच्ची लस्सी। कई भक्तों को कच्ची लस्सी का पता नहीं चलता है, कच्ची लस्सी में पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें और थोड़ा सा इसमें मीठा डाल लें, इसको बोलते हैं कच्ची लस्सी। अब जिस भक्त ने भी माता पाथरीवाली दूतनी वाली की साधना करनी है, माता रानी के साक्षात दर्शन पाने हैं, तो क्या करना है, एक गोबर के एरने की आग बना लें और जोत के आगे उसको रखें, उस एरने के ऊपर गोबर के एरने की जो आग है उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, थोड़ा सा देसी घी डालें, उसके बाद 2 लौंगों की होमना डाल दें, थोड़े से पानों की होमना डाल दें, देसी घी का थोड़ा सा हलवा डाल दें और थोड़ा थोड़ा लड्डूअन का भोग भी लगा दें और कच्ची लस्सी का छीटा लगा दें। ये सारा सामान माता रानी को भेंट देने के बाद आपने जो मैंने पीछे आपको मंत्र दिया उसका आप जाप करें और उसके पाठ करने के बाद ये सारा सामान अपने ऊपर से वार के अगर बाहर माता पाथरी वाली दूधनी वाली का स्थान बना वहाँ पर चढ़ा दें, वरना इसको किसी दरवेश कुत्ते को डाल दें, और जो कच्ची लस्सी है उसको अपने घर के बाहर गेट के कोले पे डाल दें। अगर ये वैष्णव साधना आप हमारी बताई हुई विधि के अनुसार करेंगे तो आपको माता पाथरी वाली दूधनी वाली माता
21 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। माता रानी के भक्तजनों जेत होगी वैष्णव साधना। माता पाथरी वाली की तांत्रिक साधना के साथ फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरोनाथ।